साथियों नमस्कार। कल हमने सक्सेस के लिए बात की थी और जिसमें चार क्वेश्चंट की बात की थी। सबसे पहला था फिजिकल क्वेश्चंट, दूसरा था आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, तीसरा था ईक्यू इमोशनल क्वेश्चंट और चौथा था एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चंट। आज हम केवल डिटेल में बात करेंगे फिजिकल क्वेश्चंट। फिजिकल क्वेश्चंट क्या है, क्यों आवश्यक है, किस उम्र में आवश्यक है और किस तरह से आप अपने फिजिकल क्वेश्चंट को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज फिजिकल क्वेश्चंट। पीक्यू क्या है? इट इज ए फंक्शन ऑफ योर सेल्फ अवेयरनेस एट द मोस्ट बेसिक लेवल। यह एक कार्य है जो आपके अपने आप को जानने का सबसे बेसिक सिद्धांत है। आप कोई भी काम करें जीवन में, आपको अपना फिजिकल क्वेश्चंट को जानना, समझना और उसको मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से खिलाड़ी हों, जॉब करते हों, बिजनेसमैन हो, एक सीनियर ऑफिसर हो, आप स्टूडेंट हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप वृद्ध हो, आप बच्चे हो, आप जो भी हैं, आपको अपने फिजिकल क्वेश्चंट को जानना समझना बहुत जरूरी है। इट इज ए फंक्शन हाउ वेल यू आर अट्यून टू योर फिजिकल वेल बीइंग। यह वह कार्य है कि आप अपने फिजिकल वेलबीइंग का कितना ध्यान रखते हैं, आप अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते हैं, आप अपनी बॉडी के प्रति कितने वफादार हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप कितना बॉडी को सुनते हैं, आप कितना बॉडी को जानते हैं, आप कितनी बॉडी की केयर करते हैं, यह सब इसका विषय है। हाउ यू ट्रीट योर माइंड बॉडी एंड सोल। आप अपने शरीर को, आप अपने दिमाग को, आप अपनी आत्मा को कैसे ट्रीट करते हैं, उनको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको कितना मानते हैं, उनको कितना समझते हैं, उनकी भाषा को कितना पढ़ पाते हैं, उनको कितना सीरियसली लेते हैं, यह सब इसी का विषय है। इसी में दूसरा आता है कि आपको अपने फिजिकल क्वेश्चंट को बढ़िया बनाने के लिए पांच चीजें पर बहुत जरूरी है काम करना। सबसे पहला है फूड और फूड हैबिट्स। आप खाना क्या खाएं और उसके खाने की आदतें आपकी कैसी हों। आप पौष्टिक भोजन खाना पसंद करते हैं या स्वादिष्ट भोजन करना पसंद करते हैं। आप अपने भोजन में पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखते हैं या केवल स्वाद का ध्यान रखते हैं। पौष्टिकता से मतलब है कि आपके शरीर की आवश्यकता कितनी है, उतने कैलोरी आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, या कहीं उससे ज़्यादा कैलोरी तो नहीं ले रहे हैं ताकि आपकी बॉडी ओवर फैट हो जाए, ओवर वेट हो जाए। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं जंक फूड तो ज़्यादा नहीं खाते जिससे आपका पीक्यू खराब हो जाएगा। नंबर दो पर आता है आपका एक्सरसाइज या गेम्स। हम अपनी बॉडी के लिए कितना व्यायाम करते हैं या कितना खेल खेलते हैं। आप यदि विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी बॉडी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि आपकी बॉडी को बहुत लंबे समय तक काम करना है और आपकी बॉडी की नींव है उतना। उस उम्र में यदि आप बॉडी को मजबूत बनाएंगे तो आप अपना फिजिकल क्वेश्चंट फॉर एवर के लिए ठीक करेंगे। आप किस तरह के खेल खेलते हैं, आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है या नहीं होती है, यह सब आपके एक्सरसाइज और गेम पर निर्भर करता है। आपके हर बॉडी के पार्ट की एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, उनका नियमित विकास होना बहुत जरूरी है और उनके विकास के साथ साथ उनको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। नंबर तीन पर है साउंड स्लीप। आप कितना सोते हैं और कितनी गहरी नींद में सोते हैं। यदि आपकी नींद बार बार ब्रेक होती है तो वो साउंड स्लीप नहीं है, और यदि आप कम सोते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आज वर्तमान परिस्थितियों में, आज की वर्तमान के इस कम्पिटिटिव युग में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि लोग करियर के
ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और करियर के लिए अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ करते हैं और यंग एज में ही उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं या वो दुनिया से चले जाते हैं। मैं एक ऐसे अपने मित्र की आपकी यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि जो 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसा, क्योंकि वो कभी भी 4 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं था। रात दिन वो वर्कहोलिक था, काम 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 काम, हमेशा काम चिल्लाता था। और 40 साल की उम्र में अचानक कार्डियक अरेस्ट में दुनिया को विदा कह गया। तो आपको नींद भी कम से कम 8 घंटे की साउंड स्लीप बहुत आवश्यक है। 8 नहीं कर सकते तो 6 घंटे की नींद तो आपको बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपना फिजिकल क्वोशंट खुद खराब कर रहे हैं। नंबर 4 पर आता है आपका लेजर टाइम और हॉबीज क्या है। आप लेजर टाइम में मतलब आप अपने खाली समय को कितना एंजॉयफुल, प्लेफुल, फन के साथ बिताते हैं, किन लोगों के साथ बिताते हैं, आप अपने दिन भर की थकान को कैसे दूर करते हैं, आप अपने जीवन में आनंद, प्रसन्नता, प्रफुल्लता कैसे भरते हैं, यह आपके या तो शौकों पर निर्भर करता है या आपके जो पुराने मित्र हैं या जो आपके पढ़ने का तरीका है या जो आपका इंफॉर्मेशन गैदर करने का तरीका है उस पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग अपने पुराने मित्रों के साथ बिल्कुल इनफॉर्मल वे में बात करते हैं और सारा तनाव दूर करते हैं। तो आपको भी आपको अपने लेजर टाइम को देखना होगा और 1-2 मित्र ऐसा जरूर रखना होगा जिससे आप कुछ भी कह सकें और वो आपसे कुछ भी कह सकें। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नंबर 5 पर आता है आपका सेल्फ अवेयरनेस थ्रू माइंडफुलनेस। आप अपने विचारों में किस तरह का संतुलन रखते हैं, विचारों से पॉजिटिव ऑरा किस तरह से डेवलप करते हैं और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, यह सब बातें आपके अवेयरनेस पर निर्भर करता है। इसकी यदि होलिस्टिक अप्रोच को समझा जाए कि इन सब के पीछे अप्रोच क्या है, क्यों यह जरूरी है, तो आपको फिजिकल क्वोशंट बढ़ाना है, अपनी एबिलिटी टू लिसन, आप अपने सुनने की क्षमता बढ़ाइए, आइडेंटिफाई एंड रेस्पोंड टू इंटरनल मैसेजेस अबाउट वंस फिजिकल सेल्फ। जब आपकी बॉडी में कभी कोई पेन हो, दर्द हो, भूख लग रही हो, डिप्रेशन हो, फटीग हो, थकावट हो, फ्रस्ट्रेशन हो, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपकी बॉडी में आपसे बात करना चाहते हैं, आपको सिम्टम देते हैं, लेकिन आप उनके साथ सुनते नहीं हैं, आप बॉडी की बात को मानते नहीं हैं, आपकी बॉडी कुछ कहती है और आप कुछ और करते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको अपनी बॉडी के सिम्टम्स को समझना और सुनना बहुत आवश्यक है। जब भी बॉडी में आपका फिजिकल क्वोशंट हिलता है तो बॉडी आपको आवाज़ देती है, बॉडी आपसे बात करना चाहती है, आप उसे केयर नहीं करते हैं, किसी और चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या आप बॉडी के नेगलेक्ट करते हैं, तो यह आपका अपना है। अदरवाइज बॉडी आपको साथ बात करना चाहती है, बॉडी आपको मैसेजेस देती है, बॉडी मैसेजेस को नहीं समझते हैं, तो यह आपकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका पेट आपके माइंड को मैसेज भेजता है कि एनफ, मेरा काम हो गया, लेकिन आप टेस्ट के स्वाद के चक्कर में फिर भी खाते रहते हैं तो आप अपना फिजिकल क्वोशंट खराब कर रहे हैं। ऐसे ही जब मौसम बदलते हैं तो बॉडी को ठंडक लगती है तो बॉडी बोलती है कि मुझे ठंड लग रही है, आप उसको नकारते हैं तो आप बॉडी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही जब बहुत गर्मी होती है मौसम में तो आप अपनी बॉडी पर ठीक से कपड़ा नहीं पहनते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाता है या कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो बॉडी के साथ अन्याय कर रहे हैं। या आप अपनी बॉडी की क्षमताएं और बॉडी के जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा आप कोई काम कर रहे हैं तो आप बॉडी के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप पहले अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाइए। इंग्लिश में कहावत है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले अपनी बॉडी को मजबूत कीजिए और फिर उससे काम लीजिए। तो यह कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी, हमारी बॉडी हमें बताती है और हम इन चीज़ों को
ध्यान नहीं देते हैं, बॉडी की नहीं सुनते हैं। दूसरा है लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड द माइंड बॉडी कनेक्शन, दिमाग और बॉडी के बीच के जो कनेक्शन है उसको जानना, उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि जब पेट भरता है तो वो बोलता है कि मेरा काम हो गया, अब आप खाना बंद कर दीजिए। जब आप बहुत सारे इंटरवल से आवाजों की बात करते हैं, उनको जानना चाहते हैं, या आपकी आवश्यकताएं क्या हैं और आपकी जरूरतें आपने क्या बना ली हैं, वो बॉडी आपको बताती है। तो आपको अपनी वांट्स और नीड के अंतर को भी जानना समझना होगा। आप क्या चाहते हैं और आप क्या हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको अपनी क्षमताएं, अपनी दक्षताएं, अपनी कुशलताएं, अपनी बॉडी की सीमाएं सब जानना बहुत जरूरी है। आप दूसरे से तुलना करेंगे तो आप अपनी बॉडी के साथ, फिजिकल क्वोशंट के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपकी बॉडी आपको बहुत सारे मैसेजेस देती है, हमारी बॉडी हमें बहुत सारे मैसेजेस देती है, हम उनको कितना सुनते हैं, कितना समझते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, कितना उनके अनुसार काम करते हैं, यह है हमारी अपनी विवेक है, यह है हमारी अपनी परिकल्पना है, यह है हमारा अपनी सोच है, यह हमारा अपना एटीट्यूड है। नंबर 3 पर आता है डिटरमाइनिंग अवर बॉडी परफेक्ट वेट, फिटनेस लेवल एंड परफेक्ट डाइट, कि हमारी बॉडी का वेट कितना हो उम्र के हिसाब से, और हमारी फिटनेस कैसी हो, हमारा BMI क्या हो, हमारा लंबाई के हिसाब से वेट कितना हो, एज के हिसाब से हमारी बॉडी का वेट कितना हो, यह सब चीज़ें जानना एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से ही हम अपने आप को, अपने फिजिकल क्वोशंट को बेहतर बना सकते हैं। इसको और डिटेल में समझना है तो हमारे फिजिकल क्वोशंट के 3 मेन फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर है अवेयरनेस, बॉडी की लैंग्वेज को हम कितना अवेयर करते हैं, कितना समझते हैं, कितना हम बॉडी की चीजों को ध्यान से समझ करके उन पर एक्शन करते हैं। जैसे बॉडी में पेन हो रहा है, फटीग हो रही है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कम्युनिकेशन विद बॉडी, जब आपकी बॉडी आपको कम्युनिकेट करती है तो आप भी उसको कम्युनिकेट कीजिए, रेस्ट कीजिए, रिचार्ज कीजिए, आनंद उठाइए बॉडी के लिए, जब आपको लगे तो एक्सरसाइज कीजिए, अपनी हॉबी पूरी करने के लिए हॉबीज को, अपने पैशन को डेवलप कीजिए, और अपने कुछ ऐसे मित्र रखिए जिनके साथ आप फ्रीली बात कर सकें। तो ये अवेयरनेस है, बॉडी की क्षमताओं को जानना, विषम परिस्थितियों में बॉडी कैसे काम लिया जाए इसको जानना समझना, या विशेष मौसमों में, क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां मौसम फ्रीक्वेंटली बदलते हैं, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, तो आपको इन अवेयरनेस को सबको जानना बहुत आवश्यक है। आपकी बॉडी, यदि आप बॉडी के प्रति सावधान हैं, समझदार हैं, तो आप बॉडी की एक एक बात को समझ करके, उसको ओबे करके बॉडी के केयर कर सकते हैं, बॉडी को फिजिकल क्वोशंट को उठा सकते हैं। नंबर 2 पर आता है कि आप अपनी बॉडी के प्रति कमिटेड कितने हैं, व्हाट इज योर कमिटमेंट लेवल टुवर्ड्स योर फिजिकल क्वोशंट। आप अपने फिजिकल क्वोशंट के, आपके शारीरिक क्वोशंट के प्रति ईमानदारी का स्तर आपका कितना है। सबसे पहला आता है कि सेल्फ इंटेग्रिटी, हैव एंड होल्ड इज ए पॉपुलर वर्ड फॉर PQ। पहले आप जो भगवान ने दिया है उसको स्वीकार कीजिए और उसको फिर संभालिए, उसको और मजबूत बनाइए।
तो ये आपको हैव एंड होल्ड में जो भगवान ने बॉडी दी है, आप उसको एक्सरसाइज से, आप उसको व्यायाम से, आप उसको कसरत से, आप उसको अच्छे खेल से, आप उसके अच्छे रख रखाव से आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। नंबर टू है कमिटमेंट लेवल में, यू लव एंड चेरिश। आप अपनी बॉडी को प्यार कीजिए, दुलार कीजिए, उसका भरण पोषण कीजिए, उसके साथ एंजॉय कीजिए। किस बॉडी को किस तरह की एक्सरसाइज की आवश्यकता है, किस तरह के फूड की आवश्यकता है, किस तरह के रेस्ट की आवश्यकता है, यह जानना और उसका ईमानदारी से पालन करना आपके कमिटमेंट पर निर्भर करता है। कुछ लोग जवानी में अपने बॉडी पर कुछ भी कर लेते हैं, कुछ लोग सुबह खाते हैं फिर डायरेक्ट शाम को खाते हैं, यह बॉडी के साथ कमिटमेंट लेवल लो है। कम से कम 3 बार भोजन कीजिए, सुबह नाश्ता कीजिए, दोपहर में भोजन कीजिए, शाम को फिर रात्रि भोज कीजिए। तो आप अपनी बॉडी के साथ कितना जस्टिफिकेशन करते हैं ये आपके ऊपर है। आप जब नहाते हैं तो अपनी बॉडी को ठीक से पूछिए, यदि बॉडी में कहीं कुछ भी आपको सिम्टम्स नज़र आता है तो उसको ऑब्जर्व कीजिए। बॉडी में यदि कोई एबनॉर्मल सिग्नल आपको मिलता है तो तुरंत केयर कीजिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे लोगों से बात कीजिए। तीसरा है आपका एक्सरसाइज और मेडिटेशन। आपको व्यायाम करना और मेडिटेशन, विचारों को संभालना, विचारों पर नियंत्रण करना, विचारों को अपने हिसाब से नेगेटिव से पॉजिटिव में, नकारात्मक से सकारात्मक में ले जाना, यह आपके मेडिटेशन का। आप अपनी बॉडी के प्रति कितने कमिटेड हैं, आप अपनी बॉडी को किस तरह के रख रखाव रखते हैं, यह आपके कमिटमेंट लेवल पर निर्भर करता है। नंबर 3 आता है पीक्यूमर ह्यूमिलिटी। आप अपने बॉडी के प्रति कितनी मानवता का व्यवहार रखते हैं, उसके साथ अत्याचार नहीं करते। सबसे पहले केयर, कि आप सावधानी से अपनी बॉडी की केयर कितनी करते, ताकि चोट ना लगे, बॉडी को नुकसान ना हो, बॉडी का स्ट्रक्चर खराब ना हो, बॉडी को फटीग ना हो, बॉडी को एडजर्शन ना हो, बॉडी स्ट्रेस में ना हो, बॉडी डिप्रेस ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको केयर करना पड़ेगा। नंबर 2 है लथार्जी एंड डिस्कम्फर्ट। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और मैं ज़्यादातर आज के वर्तमान युग के बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी इस ह्यूमिलिटी का शिकार, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम लथार्जी में ज़्यादा चले गए हैं, हमको फिजिकल कंफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, जो गलत है। अतः हमें यदि सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है, उस टाइम नींद को छोड़ करके, त्याग करके आपको उठना होगा। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो लोग सूर्य से ये वादा करते हैं तुम मुझे कभी सोता हुआ नहीं देख सकते हो, वो उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनती और ज़्यादा स्वस्थ होते हैं जो लोग देर से उठते हैं या जो लोग लथार्जिक होते हैं। तो आपको लथार्जी और लेवल ऑफ कम्फर्ट या लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट, मेरी बॉडी को कहाँ डिस्कम्फर्ट होता है, इन दोनों को जानना और अपने आप को व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है। सबसे ज्यादा हम बॉडी के प्रति लथार्जी का भाव रखते हैं, हम बॉडी को आलसी बना लेते हैं, हम बॉडी को टफनेस या जो बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी की नीड है, जो बॉडी की आवश्यकता है, वो पूरी नहीं करते हैं और धीरे धीरे हमारी बॉडी डी शेप में चली जाती है और माइंड और बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। माइंड कुछ कहता है, बॉडी कुछ कहती है। तो उसको आपको ठीक करने के लिए आपका ह्यूमिलिटी टुवर्ड्स योर बॉडी, योर फिजिकल कोशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपने बॉडी के प्रति ईमानदार रहिए।
बहुत सारे लोग बॉडी के प्रति ईमानदार केवल उनको मानते अच्छा कपड़ा पहन लिया और अच्छा मेकअप कर लिया। सॉरी, कपड़ा स्वच्छ होना, साफ होना और पूरी तरह से ठीक होना आवश्यक है। वही शर्ट 200 रुपए की काम करेगी जो आप 2000 रुपए की शर्ट से काम चलाना चाहते हैं। यह आपका दिमाग का कंफर्ट है। तो शरीर की आवश्यकता आपको जानना और भोग विलास को जानना दोनों को आवश्यक है। कुछ लोग भोग विलासता में अपने शरीर को बेकार कर लेते हैं। तो मेरे शरीर की आवश्यकता क्या है, मैं कितना रोजाना पैदल चलता हूँ, कितनी एक्सरसाइज करता हूँ, कितना व्यायाम कर अपने बॉडी को फिट रखता हूँ, किस तरह का भोजन करता हूँ, किस तरह की नींद लेता हूँ, किस तरह के वातावरण में रहता हूँ। जो लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं वो बॉडी के साथ अन्याय करते हैं। जो लोग ओवर हीट में या ज़्यादा ठंडे में रहते हैं बॉडी के साथ अन्याय करते हैं। एक सा वातावरण रखना बहुत जरूरी है। नंबर ह्यूमिलिटी का नंबर 3 है कि हम बॉडी को एंजॉय कितना कराते हैं। दिमाग का एंजॉयमेंट नहीं सर, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बॉडी का एंजॉयमेंट को। बॉडी को आप कितना प्रफुल्लित रखते हैं, कितना रिचार्ज करते हैं। तो इसके लिए कुछ कोट हैं, जो इम्पोर्टेंट कोट मैंने उठाए हैं उनको आप जानिए और उन पर असर कीजिए और अपने PQ को ठीक करके, यदि आपका PQ ठीक होगा तो आपका IQ, EQ, SQ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। PQ आपका पूरी लाइफ का बेस है। यदि आपका शरीर ही सही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए एक कोट है यहाँ, यू कैन नॉट एंजॉय वेल्थ, आप अपनी समृद्धि का आनंद नहीं उठा सकते, इफ यू आर नॉट इन गुड हेल्थ, यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप किसी चीज का आनंद नहीं उठा सकते। ना म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं, ना पैसे का आनंद ले सकते हैं, ना वेदर का आनंद ले सकते हैं, ना जो आपने अपने लिए सुंदर चीजें खरीदी हैं उनका आनंद ले सकते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ को ठीक रखें। दूसरा कोट मैंने लिखा है, लिया है, यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट बी बेटर देन यू वर यस्टरडे। आप कभी भी अपने आप में पूर्णतः 100% सही नहीं हो सकते, परफेक्शन नहीं ला सकते, लेकिन आपको यह कोशिश आज से ही शुरू करनी होगी कि मेरा आज बीते हुए कल से बेहतर है और आने वाला कल मेरा आज से बेहतर होगा। मेरा PQ सुधरेगा, मैं अपने जीवन की दिनचर्या ठीक करूंगा, मैं अपना खान पान ठीक करूंगा, मैं अपना जो बॉडी के साथ मिसबिहेव है वो ठीक करूंगा। जैसे कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग एल्कोहलिक हो जाते हैं, कुछ लोग ड्रग लेते हैं। दिस इज अब्यूजमेंट विद बॉडी, डोंट अब्यूज योर बॉडी। तो आप आज ही से कोशिश कीजिए कि मेरा PQ ठीक करने के लिए मुझे आज ही से काम करना होगा। तो आप उन बुरी आदतों को छोड़ दीजिए जो आपने अपनी वांट्स बना ली हैं, जो आपकी नीड नहीं है लेकिन आपने उनको अपनी वांट्स में कर लिया, जिनके आप गुलाम हो गए हैं, तो आप उन चीजों को छोड़ दीजिए। तीसरा मैंने कोट उठाया है, टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज ड्यूटी, अदरवाइज वी शैल नॉट बी एबल टू कीप अवर माइंड स्ट्रांग एंड क्लियर। यदि मेरा शरीर ठीक नहीं होगा तो मेरा दिमाग ना मजबूत होगा ना उसमें क्लैरिटी रहेगी। पुरानी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो आप पहले बॉडी को ठीक कीजिए। उसके लिए जो नंबर 4 कोट है वो यंग पीढ़ी के लिए खास तौर से आवश्यक है कि वो अपने खान पान में स्वाद का ध्यान रखते हैं, पौष्टिकता का ध्यान नहीं रखते हैं। पौष्टिकता और स्वादिष्टता दो अलग सब्जेक्ट है। कोई भोजन स्वादिष्ट हो सकता है, पौष्टिक नहीं हो सकता। पौष्टिक भोजन पौष्टिक हो सकता है लेकिन स्वादिष्ट आपको ना लगे, क्योंकि आपको जिस तरह के स्पाइसेस की, जिस तरह के ऑयल की, जिस तरह की स्वीट की आपको जरूरत है, आपने बना लिया वो शायद आपके लेवल को मैच ना करे। तो आपको देखना है कि मैं पौष्टिक खाता हूँ या स्वादिष्ट खाता हूँ।
इसके लिए कोट है, आई कांट कंट्रोल एवरीथिंग इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में सबको नियंत्रित नहीं कर सकता, किंतु आई कैन कंट्रोल व्हाट आई पुट इन माई बॉडी, लेकिन वह मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ जो मैं अपनी बॉडी में रखता हूँ, जो मैं खाता हूँ, जो मैं पहनता हूँ, जो मैं जैसे रहता हूँ, उन सब चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप PQ को आप ठीक से समझ गए होंगे, आप फिजिकल कोशंट को समझिए, फिजिकल कोशंट पर काम कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी को और मजबूत बनाइए। आप यदि खिलाड़ी हैं तो आपको बिना बॉडी के कुछ नहीं कर सकते, आप अच्छे प्रोफेशनल हैं तो बिना बॉडी के कुछ नहीं कर सकते, अच्छे बिजनेसमैन हैं तो बिना बॉडी के कुछ नहीं कर सकते, आप चाहे जो भी हैं, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, लीडर, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, कुछ भी हैं, आपको अपनी बॉडी फिट रखनी ही होगी। तो आज फिजिकल क्वेश्चन पर हम इतनी ही बात करते हैं, और कल हम जो हमारी सफलता का दूसरा क्वेश्चन है IQ पर बात करेंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम इन चारों क्वेश्चन पर अलग से डिटेल में बात करेंगे। तो आज हमने फिजिकल क्वेश्चन पर बात की, उम्मीद है कि आपको फिजिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं अपने जीवनचर्या को ठीक कर, अपने खान पान को ठीक कर, अपने आसपास की गतिविधियों को ठीक कर, अपने सोसाइटी को ठीक से छांट कर, अपने साहित्य को ठीक से छांट कर हम अपने PQ को बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। आपको यदि हमसे कुछ और जानना है, समझना है, पूछना है तो मेरा नंबर और ईमेल आईडी है, आप लिखिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।